देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक बड़ी डील की है। जियो ने यह डील फिनलैंड की जानी मानी कंपनी नोकिया के साथ की है। मकसद है पूरे देश के जन जन तक जल्द से जल्द 5G नेटवर्क पहुंचाना। इसके लिए रिलायंस जियो इंफोकॉम रकम जुटाने की भी योजना बना रही है। क्या है ये डील, इस डील से 5G नेटवर्क में क्या बदलाव आएगा, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। जियो और नोकिया की ये डील एक मल्टी ईयर डील होगी। रिलायंस जियो ने इस डील के तहत नोकिया को एक प्रमुख सप्लायर के रूप में चुना है। इस डील से पूरे देश में 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम भारत में 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया के साथ काम करेंगे। कंपनी अपने सभी ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि नोकिया के साथ हमारी पार्टनरशिप पूरी दुनिया में सबसे एडवांस नेटवर्क स्थापित करने में मदद करेगी। प्रेस फाइलिंग के मुताबिक इस एग्रीमेंट के तहत नोकिया बेस स्टेशन अधिकतम क्षमता वाले 5G के बड़े MIMO एंटीना अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करने के लिए रिमोट रेडियो हेड्स यानी RRH सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। इस डील के चलते जियो नेटवर्क स्लाइसिंग, अल्ट्रा लो लेटेंसी और मशीन टू मशीन इंटरैक्शन समेत मॉडर्न 5G सेवाएं देने में सक्षम होगी, क्योंकि रिलायंस जियो का मोटिव स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क तैयार करने का है जो 4G नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम नोकिया से 5G नेटवर्क गियर खरीदने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB के जरिए $1.5 अरब यानी 12,300 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना बना रही है। इस फंड का इस्तेमाल जियो अपने 5G कैपेक्स को फंड करने के लिए करेगा। नोकिया दुनिया की जानी मानी कंपनी है। अगर जियो की इससे डील होती है तो निश्चित तौर पर यह बाकी नेटवर्क के मुकाबले आगे निकल सकती है और गांव-गांव तक जल्द से जल्द 5G पहुंचाने का सपना कारगर हो सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।